हेलो दोस्तों, मैं उपदोष प्रदीप कुमार। आज हमारे पास में है मैग्नाइट। आप देख सकते हो भाई, हालत तो बहुत बुरी हो गई है। पहले चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये गाड़ी मेरी नहीं है, दोस्त की। आप देख सकते हैं ये हमारे पास में, और इनका वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ है। ये फर्स्ट सर्विस करवाई थी, सिर्फ 2200 रुपये खर्चा आया था, और उसके बाद इनकी गाड़ी ठुक गई है और बाहर से इंश्योरेंस करा रहे। तो आज के वीडियो में आपको बताऊँगा कि एक्चुअली बाहर से अगर आप इंश्योरेंस क्लेम कराते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, और वहाँ पर आपको क्या पार्ट्स इसके ओरिजिनल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोग चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आदित्य भाई, कौन सी गाड़ी से हुआ था एक्सीडेंट ये? इको स्पोर्ट से हुआ था। उसकी लाइट भी टूट गई थी, मेरी गाइड की लाइट भी टूटी है, दोनों का सामने हुआ था। मेजर किसमें, मैग्नाइट में ज़्यादा दिक्कत हुई या उस गाड़ी में? मेरे हिसाब से उस गाड़ी में ज़्यादा दिक्कत हुई है। अच्छा, मेरी गाड़ी में कम हुई है, लेकिन इम्पैक्ट आया, काफ़ी इम्पैक्ट आया है। ऐसा नहीं कि इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन उसकी तो हेडलाइट टूट के बाहर गिर गई थी, मेरी एटलीस्ट कम से कम गाड़ी में लगी हुई थी। अच्छा, बाहर से काम क्यों करवा रहे हो, कंपनी से क्यों नहीं करवा रहे? दो कारण है। एक तो वहाँ पर गाड़ी बहुत दिन तक खड़ी रहती है क्लेम में, और दूसरी चीज़ हमें कंपनी में भरोसा कम हो गया है। अच्छा, भरोसा कम हो गया क्यों? भरोसा इसलिए, मैंने देखा यार काम सही से नहीं होता वहाँ पर, सर्विस नहीं सही से करते हैं, काम कैसे करेंगे क्लेम का। बस तो अभी मैं आपको बता दूं, ये काम करा रहे हैं एसएस मोटर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे साथ में शहनवाज भाई जो कि यहाँ पे मेन ऑनर है, जो बेसिकली पूरा काम करते हैं। तो अच्छा, ये बताइए, बाहर से आप जैसे हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, बाहर से इंश्योरेंस का क्या प्रोसेस रहता है? सेम प्रोसेस होता है, आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे और बाकी आपकी गाड़ी कम्प्लीट होकर मिल जाएगी। बाकी सेम प्रोसेस होंगे, आपकी फाइल चार्ज भी वही होगी, और हमारे पास आपको गाड़ी जल्दी मिल जाएगी और अच्छा काम होकर मिलेगा। पार्ट्स वगैरह कंपनी के मिलेंगे? सारे जेन्युइन पार्ट्स हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं भी ले सकते हैं जी। अच्छा, वैसे कितना टाइम लगता है अगर हम लोग यहाँ पे काम कराते हैं तो? जी, ये मान के चलिए कि आपको 4 से 5 दिन के अंदर गाड़ी ओके होकर मिल जाएगी। गाड़ी ओके जी, और बाकी वर्क पे डिपेंड होता है। ओके, इंश्योरेंस क्लेम कराने में कोई दिक्कत तो नहीं भाई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस हमने गलत कंपनी से क्लेम करा लिया था। मतलब आपने क्लेम करा लिया, कंपनी वालों ने करके दिया था? नहीं, कंपनी वालों ने गलत करके दिया था। मुझे, मेरे हिसाब से यूनाइटेड वगैरह में होना चाहिए था, क्योंकि उसमें क्या होता है, किसी भी गैराज में खड़े होकर करा लो क्लेम, तुरंत जीरो डेप्थ का है तो जीरो डेप्थ का पेमेंट हो जाएगा। अभी कौन सी कंपनी से? अभी जो है भारतीय एक्सा से है, तो मैं तो लोगों से कहूँगा भैया, रिक्वेस्ट है भारतीय एक्सा से ना करा के यूनाइटेड वगैरह से कराएँ। अच्छा, गलत क्यों लगा, मतलब ऐसा क्या गलत? इसलिए क्योंकि इसमें ये बोलते हैं कि मतलब आप शोरूम से ही गाड़ी बनवाओ वगैरह वगैरह, उसमें 50% बाहर से कराओगे तो 50% मिलेगा, ऐसा वैसा बोलते हैं। वैसे आपको बता दें, कंपनी से क्लेम का बहुत ज़्यादा, कंपनी से लोग इंश्योरेंस तभी लेते हैं क्योंकि कंपनी में काम होगा, तो क्या वो वहाँ पर सही रहता है? नहीं, क्लेम बीमा जो है वो ऐसा होना चाहिए ऑल इंडिया आपको सर्विस मिल सके जी। मान लीजिए सपोर्ट है, आपकी गाड़ी ऐसी जगह लड़ती है जहाँ निशान की कंपनी नहीं है, उस केस में आप क्या करेंगे? तो बीमा ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी कहीं भी इजली गाड़ी बन जाए और बीमा कंपनी आपको पेमेंट कर दे। ओके ओके जी। अच्छा, जैसे बाहर से भी काम करा रहे हैं तो क्लेम तो ऐसे नहीं, मतलब क्लेम तो आराम से मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेन बात आती है पार्ट्स की, लोगों में यही डर रहता है कि बाहर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, वो अपनी तरफ से कुछ भी लगा देंगे, पेंट क्वालिटी नहीं सी सही मिल पाती है, वो एग्जैक्टली मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो देखिए, आप ये समझ लिए, लगभग पार्ट हर जगह काउंटर सेल अवेलेबल होता है। अच्छा। आपको हर कंपनी का ओरिजिनल OEM पार्ट हर मार्केट में मिल जाएगा, इसके हर जगह वेंडर बैठे हुए हैं, आपको मारुति हुंडई निशान किसी भी कंपनी का माल चाहिए सब मिल जाएगा। अच्छा, वैसे आपको कितना टाइम हो गया गैराज ओपन हुए थे? ये मेरा गैराज ओपन तो हो गया है लगभग 1.5 साल, और मैं लगभग इस फील्ड में हूँ 20 साल से। 20 साल से? इससे पहले मतलब क्या कंपनी में थे? जी, इससे पहले मैं कंपनी में था बॉडी शॉप में एज ए JC। अच्छा जी। और मैं 2013 का नेशनल विनर भी हूँ NSDC से, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से। बहुत सही है। इससे पहले मैं होंडा में था, और हुंडई और मारुति कई जगह जॉब मैं कर चुका हूँ। अच्छा, इस गाड़ी में क्या क्या डिफिकल्ट, मतलब क्या क्या ख़राब हुआ है बेसिकली? इसका बोनट ये डेंट हो गया है। हाँ, ये बम्पर आपका रिपेयर हो, सॉरी चेंज होगा, बाकी ये फेंडर आपका रिपेयर होगा, हेडलाइट चेंज होगी, और ये डोर डेंट पेंट होगा, साइड व्यू मिरर चेंज होगा। मिरर चेंज, टोटल कितना खर्चा आ रहा है इस पर? टोटल इसमें खर्चा आ रहा है लगभग 50,000 का। 50,000 का जी। और जिसमें से टोटल बीमा कंपनी पे करेगी, अगर भारतीय एक्सा ना होकर और कोई कंपनी होती तो ईजिली पेमेंट हो जाता। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, मतलब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इन्होंने अपना एक अलग बना रखा है कि हम मोटर गैराज को नहीं देंगे। आप इसमें क्या होता है, ये कंपनियों की ये कमीशनबाजी चलती है। अच्छा, ठीक है, ये कमीशनबाजी की वजह से कस्टमरों को बहुत परेशान होना पड़ता है, ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए बीमा कंपनियों को। मतलब मोटर गैराज को वो क्लेम नहीं करेंगे? हाँ, शोरूम में जाएगी गाड़ी तभी होगा, वहाँ पर उनकी सेटिंग होती है और वो उसमें अपना परसेंटेज ले लेते हैं।
अच्छा, हम लोगों का मोटो ये होता है कि हम कस्टमर का काम अच्छा करके दें, ना कि किसी को कमीशन दें। अब वैसे आपके यहाँ से अगर काम कराएंगे तो कितना वारंटी रहेगा काम का, पेंट नहीं जाएगा ऐसा कुछ? 3 साल की तो हम ऑन पेपर आपको वारंटी देंगे। अच्छा। बाकी पेंट की लाइफ टाइम गारंटी है, जब तक लड़ाई भिड़ेगा नहीं कुछ खराब नहीं होगा। और पार्ट्स वगैरह जेन्युइन रहेंगे ना? एकदम जेन्युइन, उसका आपको कंपनी का बिल मिलेगा। अच्छा, वो मतलब कंपनी का ही पार्ट आपको रहता है, ऐसा कुछ नहीं कि अपनी तरफ से बाहर से मंगा लेंगे लोकल पार्ट, ऐसा कुछ नहीं रहेगा? और वैसे कितने दिन में पार्ट मिल जाता है? लगभग ये मान के चलिए तो निशान कंपनी है तो इसमें 2 से 3 दिन लगेगा, बाकी सभी कंपनियों का लगभग सेम डे मिल जाएगा। सेम डे मिल जाता है? तो मतलब जैसे निशान की कंपनी पार्ट्स के अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे बता दें, लेकिन फिर भी क्या है 2 से 3 दिन में आपको आराम से मिल जाएगा। तो अगर आप बाहर काम कराना चाहते हो तो यहाँ पे SS मोटर्स है, ये बेसिकली कौन सा एरिया पड़ता है? ये है शुक्लागंज उन्नाव में इनका शोरूम है और यहाँ पे आप इनका गैराज है, तो आप यहाँ पे आराम से काम करवा सकते हैं। और अभी तो गाड़ी में काम हो रहा है, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उसके बाद में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से काम हुआ है और इसका पेंट का क्वालिटी भी कैसा है, वो भी मैं आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाऊंगा। तो टोटल जो खर्चा आ रहा है 50,000 का आ रहा है। जी जी, पूरा कंपनी बीमा कर रही दे रही ना? जी जी जी। चलो, फाइल चार्ज कस्टमर को पे करना होगा। फाइल चार्ज कितना लगता है? लगभग 1000 से 1500। जी, 50% बोल गया वो, बोल दो। 50% कैसा था? असल में ये बीमा कंपनी जो है भारतीय एक्सा और कुछ कंपनियां हैं जिनका बहुत ख़राब रूल है, वो सर्वे डराते हैं कि आपको 50% देंगे और वहाँ बनवाएंगे तो इतना देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। अगर ऐसा कुछ है तो कंपनी को पॉलिसी पर लिख कर देना चाहिए ना कि आप कंपनी में कराएंगे तो आपको पूरा मिलेगा, बाहर कराएंगे तो कम मिलेगा, लेकिन वो तो लिखते नहीं है। ये तो अधिकारियों ने और एजेंटों ने अपना बना रखा है सिस्टम, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। कस्टमर को बीमा लेते समय एक बार किसी जानकार आदमी से इसकी वो करना चाहिए कि हम किस कंपनी का बीमा लें। वेल दोस्तों, इस गाड़ी में भी काम होना है, आपको बता दें काफ़ी ज़्यादा मतलब गाड़ी की हालत ख़राब होगी, और जैसे इस गाड़ी में पूरा कंप्लीट होता है नेक्स्ट वीडियो हम आपको ज़रूर लेके आएंगे कितना रुपए एक्चुअली में क्लेम मिला और जब हम आफ्टर मार्केट काम करवाते हैं तो कैसा पेंट का क्वालिटी रहता है, जेन्यून पार्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वेल ये था आज का वीडियो, अभी तो सारी चीज़ें क्लियर है, मैंने आपको बता दी जैसे कि हमारे साथ भाई तो उन्होंने बताया कि पार्ट्स वगैरह सारे मिल जाते हैं और ओरिजिनली कंपनी से मंगाए हुए, लेकिन जब पूरा वर्क हो जाएगा उसके बाद देखेंगे कैसा काम हुआ है। वेल दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट साथ में, थैंक यू सो मच।